सो है गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं रश्मिका मंदाना का इस पिक्चर का आउटलाइन को स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा और इस पिक्चर का लिंक भी मेरा डिस्क्रिप्शन पर है, आप जाके जरूर डाउनलोड कीजिए क्योंकि मेरा पार्ट टू वीडियो भी बहुत जल्दी आएगा। सो, अगर आप आउटलाइन को ड्रॉ कर दोगे तो मेरा पार्ट टू वीडियो आने के बाद आप शेडिंग भी बहुत अच्छा से कर दोगे। सो डाउनलोड कीजिए, पिक का लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। और इस पिक्चर के ऊपर मैं अभी ग्रिड बनाऊंगा। ग्रिड बनाने के लिए मैं एक ऐप यूज़ करूंगा जो कि आप देख सकते हो, मैं अभी शेयर किया और आप देख सकते हो आर्टिस्ट ग्रिड एक एप्लीकेशन है। मैं जैसे ही आर्टिस्ट ग्रिड के एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक किया हूं, मेरा फटाफट से मेरा ग्रिड बन चुका है जैसे कि आप देख सकते हो। और ये जो छोटा छोटा बॉक्स आप देख रहे हो उसका ईच साइड में 4 सेंटीमीटर लेके पेपर के ऊपर ड्रॉ करूँगा। चलिए बस पहले पेपर के ऊपर ग्रिड को ड्रॉ करते हैं, देन उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। और गाइस, आप देख सकते हो मेरा जो ग्रिड है वो तो कंप्लीट हो चुका है क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका जो टाइम वेस्ट हो। बट मैं आपको बता देता हूँ, मैं ईच बॉक्स को 4 सेंटीमीटर लेके स्क्वायर साइज में ड्रॉ किया हूँ जैसे कि आप देख सकते हो। आई होप कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया है। और जो पेंसिल यूज़ करूँगा आउटलाइन को ड्रॉ करने के लिए वो है नटराज पेंसिल और एक इरेजर जो कि आप देख सकते हो। बस उतना ही कुछ सिंपल सा मटेरियल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस, अभी आप ध्यान से देखिए कि मैं बॉक्स के ऊपर टिक लगा क्योंकि मैं बस सेम वही बॉक्स से स्टार्ट करूँगा। जैसे कि आप अभी देख सकते हो, मैं अभी जो फेस का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है बस उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। देख सकते हो कैसे कैसे करके ड्रॉ कर रहा हूँ अभी। बस तो मैं रफली एक मार्क कर रहा हूँ कि जो फेस का कहाँ कहाँ पर कौन सा पार्ट है, देन उसके बाद में आई नोज लिप्स उसको काफ़ी अच्छा से ड्रॉ करके आपको बता दूंगा। जैसे कि आप देख सकते हो अभी जो है फेस का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं हेयर्स को भी ड्रॉ कर दूंगा जैसे कि आप देख सकते हो। और हेयर्स भी आप देख सकते हो जिस बॉक्स में है, मेरे पास सेम वही बॉक्स में ड्रॉ कर रहा हूँ जैसे कि आप देख सकते हो। और ये काफ़ी इजी मेथड है, आप ही इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर ट्राई कीजिए। और ईयर भी आप देख सकते हो जिस बॉक्स और जिस लाइन को बेस करके है, मेरे पास सेम वही बॉक्स में ही ड्रॉ किया हूँ। और ड्रेस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि ड्रेस आप आपके हिसाब से कर सकते हो, नहीं तो रेफरेंस पिक्चर में जो है उसको भी कर सकते हो। बट आप देख सकते हो ड्रेस में उतना कुछ है नहीं। और अभी मैं आई को ड्रॉ कर रहा हूँ। आई को आपको काफ़ी केयरफुली ड्रॉ करना पड़ेगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा और जो फेस है वो भी मैच नहीं करेगा। आप देख सकते हो मैं रेफरेंस पिक्चर को कितना अच्छा से जूम किया हूँ, देन उसके बाद अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। और आई आप देख सकते हो एक लाइन को बेस करके है, जो बस सेम वही लाइन को लाइन के ऊपर ही ड्रॉ कर रहा हूँ। देन दूसरा आई जो भी आप देख सकते हो वो भी एक लाइन के ऊपर बेस करके है, मेरे पास सेम वही लाइन को ही बेस करके ड्रॉ कर रहा हूँ। और आपको काफ़ी स्लोली स्लोली ऑब्जर्व करके ड्रॉ करना पड़ेगा और काफ़ी धीरे धीरे करना पड़ेगा। जल्दीबाजी अगर करोगे तो कोई बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। सो आप धीरे धीरे करके ड्रॉ कीजिए। और आप देख सकते हो मैं अभी नोज़ ड्रॉ कर रहा हूँ, दोनों आई मेरा कंप्लीट हो चुका है। नोज़ के लिए तो आपको सिंपली दिख रहा है कि नोज़ कहाँ पर है, आप देख सकते हो मेरे पास सेम वही एरिया पर है नोज़ को ड्रॉ कर रहा हूँ। नोज़, लिप्स, आई आपको ग्रिड मेथड से पता चल जाता है कि कहाँ पर है। सो इसके लिए जो फेस है, जिसका भी आप फेस को ड्रॉ करना चाहते हो वो काफ़ी इजीली हो जाता है जैसे कि आप अभी देख सकते हो। और नोज़ में थोड़ा बहुत जो डार्क एरिया और लाइट एरिया है उसको मैं बस थोड़ा सा रफली एक मार्क कर देता हूँ ताकि मैं जब शेडिंग करूँगा काफ़ी अच्छा से हो जाएगा। और लिप्स भी आप देख सकते हो क्योंकि कौन सा एरिया पर है, मैं बस सेम वही एरिया पर ही लिप्स को ड्रॉ कर रहा हूँ। ये लिप्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि टीथ वगैरह है, सो आपको थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करके ड्रॉ करना पड़ेगा नहीं तो थोड़ा सा बिगड़ जाएगा। सो आप देख सकते हो मैं अभी जो जैसे 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 करके ड्रॉ कर रहा हूँ। और बस मेरा तो जो लिप्स है वो भी कंप्लीट हो चुका है, अभी बस टीथ बाकी है जो कि मैं ड्रॉ कर दूंगा। और आई बॉल भी आप देख सकते हो वो भी मैं ड्रॉ कर चुका हूँ, अभी मैं टीथ को थोड़ा बहुत ड्रॉ कर दूंगा जैसे कि आप देख सकते हो। और टीथ भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपको काफ़ी ध्यान देकर ड्रॉ करना पड़ेगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सो आप देख सकते हो। सो गाइस, आप देख सकते हो मेरा जो आउटलाइन है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको भी इस वीडियो में काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा।
अगर आपको इस वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। अगर आपको और भी ट्यूटोरियल्स वीडियो देखना है तो आप मेरा प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर आपको बहुत सारा ट्यूटोरियल्स वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ पर देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड बाय बाय।